परम आदरणीय मुख्य अतिथि, आज मैं आप सभी के समक्ष श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र पर अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वैसे तो कहा गया है दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि हम सभी कुछ मनुष्य हैं, श्री राम की चरित्र वर्णन क्या करेंगे, और वो लिखते हैं कि हरि अनंत हरि कथा सब संता राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो इसी कड़ी में मैं सर्वप्रथम माता जगत देवी जानकी के चरणों में चार पंक्ति रखता हूँ। किसका का वंदन है पद पंकज में अभिनंदन विश्व विधान की माँ, किसका का वंदन है पद पंकज में अभिनंदन विश्व विधान की माँ, लव अंकुश पुत्र महान की माँ, अपने सुख से बढ़ के जिनको निज नेह दिया हनुमान की माँ, मुझ पे भी जरा सी कृपा कर दो जगती जननी अब जान की माँ, कि हम पे भी जरा सी कृपा कर दो जगती जननी अब जान की माँ। और चार पंक्तियां राम कथा के संदर्भ बजरंग बली के चरणों में रखता हूँ। ज्ञानी गुणी भी हुए न कशिश कपीस जपावन ज्ञान की जय, ज्ञानी गुणी भी हुए न कशिश कपीस जपावन ज्ञान की जय, और योगी तपी भी अचंभित है जिस ध्यान को देखो को ध्यान की जय, प्रभु राम के भक्त मजान की के सुख धर्म के गर्व गुमान की जय, तो सब में सब संकट दूर करे बजरंग बली हनुमान की जय, सब में सब संकट दूर करे बजरंग बली हनुमान की जय। और यदि हम सबके बीच महर्षि वाल्मीकि ना होते तो लोगों को राम का कथानक न मिलता। तो चार पंक्तियां महर्षि वाल्मीकि के लिए रखता हूँ, और क्या क्या न मिलता यदि महर्षि वाल्मीकि ना होते। कि मन में निर्वासित जानकी को वह आश्रय धाम नहीं मिलते, मन में निर्वासित जानकी को वह आश्रय धाम नहीं मिलते, दीक्षा बिना रहते सुखमय परिणाम नहीं मिलते, रामायण ग्रंथ नहीं मिलता नव छंद ललाप नहीं मिलते, और नहीं आदि कवि जग को मिलते हमको प्रभु राम नहीं मिलते, नहीं आदि कवि जग को मिलते हमको प्रभु राम नहीं मिलते। और आप सभी को अब धनुष गति की ओर लेकर चलता हूँ, जहाँ हमारे प्रभु श्री राम ने धनुष भंग करके माता जानकी को ब्याहा। एक तथ्य हम सभी जानते हैं कि प्रभु ने धनुष को तोड़ा पर कैंचा नहीं टूटी, क्या उसका तर्क है वो मैं अपनी पंक्ति में रखता हूँ। कि जगदीश को जो भी चुनौती बना उसका बस भाग्य ही फूट गया, कि जगदीश को जो भी चुनौती बना उसका बस भाग्य ही फूट गया, और सब पुण्य ही क्षार हुए उसके और काल सभी सुख लूट गया, भगवान ही रूठ गए जिससे उसका सब मंगल छूट गया, और जो भी राम की ओर रहा वह बचा, जो भी दूर गया वह टूट गया, श्री राम की ओर रहा वह बचा, जो भी दूर गया वह टूट गया। और अब रामायण का सबसे महान चरित्र महात्मा भरत के लिए चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि प्रभु राम की त्याग कथा में दयान मोल कथानक जोड़ दिया, प्रभु राम की त्याग कथा में नया अनमोल कथानक जोड़ दिया, जहाँ राम नहीं वहाँ क्या करना कह राज सिंहासन छोड़ दिया, प्रभु राम की त्याग कथा में नया अनमोल कथानक जोड़ दिया, जहाँ राम नहीं वहाँ क्या करना कह राज सिंहासन छोड़ दिया, जगदीश खड़ा उपशीष धरे सुख वैभव से मुख मोड़ दिया, और जिस माता ने मांगा था राज्य सुनो उस माता से नाता ही तोड़ दिया, जिस माता ने मांगा था राज्य सुनो उस माता से नाता ही तोड़ दिया। और 2019 सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या व्यक्ति कैसे विचार पत्र पढ़ता हूँ। कि दिन के बिन जैसे सरोज लगे मन नींद लगे जल धाम बिना, दिन के बिन जैसे सरोज लगे मन नींद लगे जल धाम बिना, जैसे चंद्र बिना लगती रजनी शम गर्थ लगे परिणाम बिना,
और जैसे चंदन तंज सुगंध बिना पहचान अधूरी जो नाम बिना और जैसे प्राण बिना मृत देह लगे लग पीटी आयु खायु राम बिना जैसे प्राण बिना मृत देह लगे जग में न कहीं कुछ खास हूँ मैं कल का न भविष्य कोई मुझ में कल का न कोई इतिहास हूँ मैं किसी और जो ठौर नहीं बुझती वह राम के नाम की प्यास हूँ मैं और रघुनाथ कृपा रखना अपनी तेरे दास के दास का दास हूँ मैं राम कृपा रखना अपनी तेरे दास के दास का दास हूँ मैं तो एक बार मेरे साथ जोर से कहिए जय श्री